राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ गुटबाजी तेज होती जा रही है। अब सचिन पायलट के समर्थक खुलकर मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी अब बागी मूड में दिख रहे हैं और मंगलवार सुबह उन्होंने एक शायरी के जरिए इसका ऐलान भी कर दिया। विश्वेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं बोलता हूँ तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। इसके अलावा भी मंत्री लगातार ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जो सचिन पायलट के समर्थन में है। दूसरी ओर सचिन पायलट समर्थक गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। वीडियो में कहा गया है कि जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कुंभाराम लिफ्ट की बात की थी, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हो पाया। भंवरलाल शर्मा ने दावा किया कि उनके पास 22 विधायक हैं जिनमें कई बड़े विधायक हैं, हम लोग प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं। भंवरलाल शर्मा ने कहा कि अगर अशोक गहलोत को नेता मानते तो हम मीटिंग में होते। सचिन पायलट गुट के नेता ने कहा कि अगर हमारे साथ ही 22 विधायक हैं तो फिर अशोक गहलोत कैसे 109 का दावा कर रहे हैं। बता दें आपको कि सचिन पायलट गुट की ओर से कांग्रेस आला कमान को बता दिया गया है कि वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। पायलट गुट के विधायकों ने कहा कि जब तक मान सम्मान की गारंटी नहीं होगी तब तक वापसी नहीं होगी, और मान सम्मान तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक लीडरशिप चेंज नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट गुट ने आलाकमान के पास संदेश भिजवा दिया है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने पर ही समझौता हो पाएगा। फिलहाल जयपुर आने का कोई कार्यक्रम नहीं है और बीजेपी में जाने का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। एस्को 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।